तो बच्चों ये लास्ट पार्ट मेरे से छूट गया था, तो मैं इसकी दोबारा से बना देता हूँ। बच्चों को बड़ा डाउट होता है कि सीपीसीटी होता क्या है। सर ये सीपीसीटी बताओ मुझे क्या हो जाता है ये, कॉन्ग्रेंट कर दिया सीपीटी से सीपीसीटी से कुछ भी कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। मैं आप बताता हूँ इसको पूरा डिटेल में, सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो सबसे पहले सीपीसीटी को समझाने से पहले ना मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और इसको पहले मैं प्रूफ करता हूँ। देखो देखो इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो मेरे को ये अभी इसलिए याद है क्योंकि मैं भी जब ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहा था ना, तो भाई मैं ढंग से, वही है कि हम बहुत मस्ती करते थे क्लास में और हम सुनते नहीं थे अपने टीचर्स का, है ना। और फिर बाद में हम बड़ा पछताते थे कि अरे यार टीचर ने समझाया तो, पर उस टाइम बड़ी मस्ती कर रहे थे और उस टाइम कुछ समझ नहीं पाया। तो देखो उस टाइम मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार मैंने कैसे छोड़ दिया ये। तो फिर बाद में जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे जिसने बताया मुझे बाद में। तो देखो सीपीसीटी आप कैसे करना है ध्यान से देखो, अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से सुनो ठीक है। तो पहले मुझे एक काम करना है कि भैया ये एक डायग्राम मुझे गिवन है ठीक है, और मुझे शो करना है, क्या शो करना है मुझे इस डायग्राम में, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ये मुझे शो करना है ठीक है। तो पहले मैं इसको शो करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सीपीसीटी का कैसे होगा ठीक है। तो देखो ए बी सी और ए बी डी को मुझे प्रूफ करना है ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, मैं अगर इसको प्रूफ करता हूँ तो ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, है ना। तो मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो ए बी है ना, ये मेरे पे कॉमन साइड है। देखो इन दोनों ट्राइंगल में ए बी क्या है, कॉमन साइड ठीक है। अभी देखो मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से, कॉमन साइड है। तो देखो ये पहला तो हो गया, दूसरा देखो जो ए सी है ना बच्चों, वो है मेरा ए डी के बराबर गिवन है आपको, ये आपको पहले से गिवन है ठीक है। देखो ये चीज़ हो चुकी है, और देखो ये वाला एंगल है ना जो, ये इस एंगल के गिवन है आपको, ध्यान से देखिए। और मुझे ना एक और उसमें ना मुझे एक और चीज़ दे रखी है, मुझे क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है कि भाई जो ए बी है ना, ए बी बाइसेक्टर है एंगल का, है ना। इस क्वेश्चन में ये बनाया मुझे कि जो ए बी है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो अगर ये ए बी बाइसेक्टर एंगल ए का, तो भाई एंगल सी ए बी इक्वल्स टू बी ए डी होगा, ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर। अब अगर ऐसा हो गया, मैंने तीन चीज इक्वल कर दिए, तो भाई ये तीन चीज इक्वल हो गई तो मैं इसको कॉन्ग्रेंट बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, और ये कॉन्ग्रेंसी का ये जो चोचला है आप बिल्कुल जिंदगी भर के लिए खत्म ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखो मैं एक क्वेश्चन में आपको ढंग से बता दूँ, तो भाई ये हो जाएगा ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी डी, ये मैंने कर दिया, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया मैंने। और भाई ये किससे हुआ, ये हुआ देखो देखो साइड, देखो ये देखो ध्यान से, ये हो गया देखो साइड एंगल और साइड, तो ये हो गया साइड एंगल साइड से, है ना। तो देखो ये तो कॉमन साइड से, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। अब ये कॉन्ग्रेंट तो प्रूव हो गया बच्चों, अब जो देखो ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको कॉन्ग्रेंट, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो मैं कोई सी भी अननोन साइड है ना उसको मैं इक्वल कर सकता हूँ बाई सी पी सी टी, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है ना कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का वो इक्वल होता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो अब मैं बताऊँ क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में देखो ये बी सी है, तो इस बी सी को मैं ना, अब देखो बी सी अननोन था, बी सी मैंने लिखा, इस ट्राइंगल में देखो क्या है, बी डी है, तो बी सी को मैं बी डी के इक्वल कर सकता हूँ बाय सी पी सी टी, समझ में आया, ये कर सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर ये अननोन था ना, यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, पर मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया बाय सी पी सी टी। ऐसे ही ना मैं किसी भी एंगल को भी इक्वल कर सकता हूँ सी पी सी टी से, समझ में आ रहा है। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, समझ में आ रहा है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कोई भी पार्ट था इस ट्राइंगल का वो मैंने इक्वल कर दिया बाय सीपीसीटी। ये सीपीसीटी तभी लगता है जब मैं कॉन्ग्रेंसी कर दूं, जब मैं इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं ना, तभी ये सीपीसीटी लग सकता है ना। तो ये सीपीसीटी का मेरे ख्याल से आपको फंडा क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके एक्सरसाइज में आते हैं, और आप देखो आपको काफी मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में।